नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4, इसका नाम था किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई। उसी के अंदर हमने बैक्टीरिया को जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आगे हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? ये एक स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि इसको रेप्लिकेट करने के लिए किसी भी एजेंट या होस्ट सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इंडिपेंडेंटली जो है रेप्लिकेट करता है और ये प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट क्यों होता है? क्योंकि ये प्रिमिटिव, यानी कि बहुत ही प्रिमिटिव, यानी कि पुराने टाइम में सबसे पहले इसको देख लिया गया था। तो ये प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ इसके अंदर सेल देखने को मिलती है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करी जाए कि माइकोप्लाज्मा को किस तरीके से डिस्कवर किया गया, तो इसको सबसे पहले पाश्चर ने, जो कि एक जर्मनी के और स्विट्ज़रलैंड के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1713 में इस डिसीज़ को पल्मोनरी डिसीज़ की तरह, यानी कि कैटल के अंदर पल्मोनरी डिसीज़ के तौर पर देखा गया। पल्मोनरी डिसीज़ वो होती है जो निमोनिया को कॉज करती हैं। दैट्स वाई इस डिसीज़ को कॉज करने वाले बैक्टीरिया को, यानी कि उसको ऑर्गेनिज्म को बोवाइन प्लूरो निमोनिया का नाम दे दिया था। उसके बाद कुछ साइंटिस्टों ने फिर कुछ देखा, तो एक और जो है वो माइकोप्लाज्मा का एक दूसरा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उसका नाम था PPLO। उन्होंने क्या देखा कि कोई ना कोई बीमारी को कोई माइक्रोब करता है, बट उसको कोई किसी भी तरीके से कल्चर या ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था। इसीलिए PPLO एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लूरो निमोनिया के ऊपर ही इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया, जिसे हम PPLO बोलते हैं। उसको फर्स्ट टाइम जो है ई नुकार्ड एंड ई आर रॉर ने 1898 में डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर करने के बाद में नोवाक एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने फाइनली इसको माइकोप्लाज्मा नाम दिया ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, विच इज़ ये एक फंजाई के जैसे दिखने में लगता था कि इसका जो कैरेक्टर्स हैं वो फंजाई की तरह दिखता है। तो यानी कि नोवाक ने माइकोप्लाज्मा दिया क्योंकि इसका जो रिजेंबलेंस है वो एक फंजाई की तरह था। ये तो इसकी डिस्कवरी हुई। इसके जनरल कैरेक्टर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करी जाए तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या क्या है। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की देखें तो सबसे पहले आता है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनी मतलब कि सिंगल, यानी कि सिंगल सेल वेयरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है ये स्मॉलेस्ट होते हैं। ये बहुत बड़ा मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कि पूछा जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, तो आता है माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पर सबसे छोटा अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोप्लाज्मा। ये नॉन मोटाइल होता है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकता है। और बाकी ये प्रोकैरियोटिक होता है, मैंने आपको बता रखा है। ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनका जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोकैरियोट की तरह होता है। दूसरा है ये प्लीमोर्फिक होते हैं। प्लीमोर्फिक का मतलब होता है जो अपना शेप चेंज कर लें किसके ऊपर डिपेंड होके, किसके ऊपर, कल्चर, यानी कि कोई अगर किसी मीडियम में इसको माइकोप्लाज्मा को डाल दिया जाए तो वो कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा कल्चर है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना शेप जो है वो चेंज कर लेता है। इसीलिए इसको प्लीमॉर्फिक बोला जाता है। प्लीमॉर्फिक वो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है चेंजिंग इन शेप, शेप में चेंज कर लेना प्लीमॉर्फिक कहलाता है। थर्ड होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ग्लोबॉइड यानी कि जैसे कि, और फिलामेंटस
यानी कि इसके फिलामेंट भी हो सकते हैं, मतलब ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर में भी मिल सकता है, रिंग लाइक, रॉड लाइक मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता है, रिंग लाइक मतलब ये गोल भी हो सकता है, फिलामेंटस मतलब ये इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, यानी कि इसकी शेप जो है रॉड लाइक, रिंग लाइक, ग्लोबॉइड, फिलामेंटस टाइप की हो सकती है। फोर्थ अगर बात करें तो कुछ माइकोप्लाज्मा स्फेरिकल शेप में भी अज्यूम किए जाते हैं, जिनका जो डायमीटर होता है वो 300 to 800 नैनोमीटर होता है। इसके बाद अगर देखें तो ये अल्ट्रा फिल्टरेबल होते हैं, जब मैंने बैक्टीरिया के अंदर बताया था तो जो बैक्टीरिया के अंदर जब मैंने बताया था तो एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर की बात की थी, कि बैक्टीरिया प्रूफ का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को तो रोक लें, बाकी ऑर्गेनिजम्स को क्या होने दें, पास होने दें। तो इस तरीके के बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जब हम इस माइकोप्लाज्मा को देखते हैं तो ये इजीली पास हो जाते हैं, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्टरेबल बोला गया है। दूसरा ये है, ये इसके अंदर जो रिजिड सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, यानी कि इसकी सेल वॉल जो होती है वो रिजिड नहीं होती है। अगर सेवन्थ करेक्टरिस्टिक्स देखें इसका, तो इसके अंदर जो इसकी जो सेल होती है इसके पेरिफेरी पे राइजोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और राइजोम क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ये इसका साइटोप्लाज्मा है सेल का, तो ये इसके पेरिफेरीज पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये 70S का होता है और इसका जो डायमीटर होता है 14 नैनोमीटर होता है। इसके बाद आगे कुछ और कैरेक्टर्स हैं इसके, उनको पढ़ते हैं। फर्दर अगर इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स की देखें तो इसके जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करी जाए, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, इसका जो डीएनए होता है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, वो एक थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि ये माइकोप्लाज्मा है, ये इसका साइटोप्लाज्मा है, इसमें इस तरीके से इसका डीएनए प्रेजेंट होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स में प्रेजेंट होता है, इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स में प्रेजेंट होता है, थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके जेनेटिक मटेरियल का। नेक्स्ट, ये बैक्टीरिया से स्लो ग्रो करते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रो करते हैं बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। अगर नेक्स्ट देखें तो इनको स्टेरॉल की ज़रूरत होती है अपने न्यूट्रिशन को बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर देखें तो ये टेट्रासाइक्लिन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं टेट्रासाइक्लिन के साथ। ये कोई भी स्पोर्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते। ये और सभी बैक्टीरिया की तरह और सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह बाइनरी फिजन के थ्रू क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसका डिवीजन अगर देखें तो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। कि सेल मेम्ब्रेन को अगर देखा जाए तो ये ट्रिपल लेयर्ड होती है, लिपोप्रोटीनेशियस से बनी हुई रहती है। इसकी एक जो मेम्ब्रेन होती है वो 10 नैनोमीटर डायमीटर, यानी कि थिक जो है उसकी थिकनेस जो है 10 नैनोमीटर होती है। इस तरीके से माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है, ये प्रोकैरियोट होता है, कि सेल मेम्ब्रेन थ्री लेयर्ड से बनी हुई, लिपोप्रोटीन से बनी हुई रहती है, ठीक है। इसका जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल जो होती है वो रिजिड नहीं होती है। इसकी साइटोप्लाज्म में इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, इसका फाइब्रस डीएनए जो है वो देखने को मिलता है। इस तरीके से इसके जनरल कैरेक्टर्स जो हैं वो कम्प्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू।